हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखिए, आज हम आपके लिए शीर कोरमा बनाकर लाए हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत कम घी में बनाएंगे हम, जो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, हेल्दी होगा खाने में। तो चलिए देखिए गाइस, ये हमने 1 लीटर दूध को पका लिया है और ये देखिए, ये सिवई है और ये देखिए, हमने 1/2 किलो खोया लिया है 1 लीटर दूध में। 1 लीटर दूध में 1/2 किलो खोया है और ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पिस्ता है जिसको हमने बारीक काट लिया है, चिरौंजी हमने थोड़ी सी ली है और ये देखिए, ये बादाम है, इसको हमने काट लिया है और ये अखरोट है, इसको भी काट लिया है बारीक बारीक। तो चलिए गाइस, और ये देखिए, ये हमने 2 हरी इलायची ली है। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं शीर कोरमा बनाने की। देखिए, हम कढ़ाई में सिवई भून लेंगे और सिवई में हमने कोई घी नहीं डाला है भूनने में, इसको हम बस ऐसे ही भुना है हमने कढ़ाई में। ये देखिए, सिवई भुन गई है और जो है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने इसको हल्की आंच में बहुत अच्छे से भुना है, हल्की आंच में इसको भुना है। देखिए कितनी अच्छी भुनी है सिवई, ज़रा भी जली नहीं है और इसमें कोई घी नहीं डाला हमने भूनते में। तो चलिए व्यूअर्स, देखिए अब हमने इसमें घी डाला है तपेली में और घी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, आपको दिख रहा है इसमें कितना घी है। तो जब ये घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 हरी इलायची हमने डाल दी है। ये देखिए, 2 हरी इलायची हमने डाल दी है घी में। अब हम इसमें जो है सारे ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। अभी हमने इसमें पहले सबसे पहले पिस्ता डाला है, क्योंकि मेरा पिस्ता छिलके वाला था तो हमने उसको काट के धोया था थोड़ा, तो इसलिए हमने ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते को पहले डाल के उसको थोड़ा घी में भून लेंगे। और ये देखिए, एक तरफ मेरा दूध खोल रहा है, स्लो आंच पे पक रहा है, ये बफेलो मिल्क है, मलाई वाला दूध है ये। देखिए गाइस, इसमें पिस्ता डाल के हमने भून लिया है, अब बाकी के हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए, ये अखरोट, बादाम और चिरौंजी सब हमने इसमें एक साथ में डाल दिया है। और पिस्ता अगर आपका छिलके वाला ना हो, छिला हुआ हो, तो आप एक साथ में डाल सकते हैं, मेरा छिलके वाला था तो इसलिए हमने इसको पहले भून लिया ताकि दूध में कोई गड़बड़ी ना हो, फटे ना पकाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट सब कितने अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं, ये एकदम अच्छे, एकदम कुरकुरे हो गए, क्रिस्पी हो गए हैं ये, इतना हमने इसको घी में भुना है ड्राई फ्रूट को। और ये देखिए, दूध पक गया, दूध को हमने स्लो आंच पे बहुत पकाया था और इसकी मलाई के साथ में, क्योंकि ये बफेलो मिल्क है, ये गाढ़ा होता है, तो हमने इसको मलाई के साथ में ही डाला है। और इसमें हमने 1 किलो दूध में 1 पाव शक्कर भी डाल दी है इसमें। ये देखिए, इसमें हमने 1 पाव शक्कर भी डाल दी है। अब हमने पेन को गैस पे रख लिया है, गैस जला दी है हमने। और ये देखिए, खोए को हम तवे पे भून लेंगे अच्छे से, ताकि कभी कभी मार्केट में खोया बासी रहता है तो दूध फट जाता है, तो इसलिए हम इसको खोए को तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, भून रहे हैं हम तवे पे और ये देखिए, ये दूध पक रहा है, सिवई है मेरी, ये शक्कर सब पक रहा है, इसमें अभी हमने सिवई नहीं डाली है, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि ये देखिए, अब हमने ये खोए को भून लिया था, अब हमने खोए को भी दूध में डाल दिया है। और खोए को भून के डालेंगे तो आपका दानेदार शीर कोरमा बनेगा, जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आएगा अगर आप मावा को, खोए को तवे पे भून के डालेंगे। और ये देखिए, अब हमने इसमें सिवई भी डाल दी है, देखिए सिवई बहुत ही थोड़ी सी पड़ी है, ज़्यादा नहीं पड़ी है, 50 ग्राम तक सिवई होएगी 1 किलो दूध में।
तो बस अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और शीर कोरमा बन के तैयार है बिल्कुल। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है, खाने में ये एकदम दानेदार रवा मावा मुँह में आएगा, ये देखिए। चलिए आइए गाइस, मेरी शीर कोरमा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें कोई ज़्यादा घी नहीं पड़ा, बहुत ही हेल्दी शीर कोरमा बन के तैयार हुआ है। तो प्लीज़ गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में हमको याद रखिएगा।